स्वागत है आपका फिर से एक बार वंडरफुल व्यू में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे बनता है चाय का साथी बिस्किट। ऑफिस का टी ब्रेक हो या स्कूल में रिसेस से पहले वाली भूख, घर आए मेहमानों के साथ एक कप चाय हो चाहे दूध का मग, बिस्किट का साथ हर बेवरेज को हैपनिंग बना देता है। पर आप बिस्किट खाना क्यों पसंद करते हैं? Perfect snacks for any time. Time fast living, easy to eat. That's a good combination with tea. चाय खाली पीना अच्छा नहीं लगता इसलिए। चलिए अब देखते हैं कि हमारे फेवरेट बिस्किट बनते कैसे हैं। बिस्किट के मेन इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लावर, चीनी, एडेबल ऑयल। सबसे पहले व्हीट फ्लावर को छानकर मिक्सिंग फ्लोर में भेजते हैं। यहाँ हर महीने 33,000 टन व्हीट फ्लावर यूज होता है। फिर सिफ्टर में शुगर छानकर ग्राइंडिंग के लिए भेजते हैं। यहाँ शुगर का फाइन पाउडर बनता है। इस फैक्ट्री में हर महीने 1500 टन शुगर यूज होता है। समझ लीजिए करीब 200 हाथियों का वेट है ये। अब पाउडर टैंक में छाना हुआ व्हीट फ्लोर और शुगर डालते हैं और लिक्विड टैंक में शुगर, पानी और एडेबल ऑयल। दोनों टैंक में से मटेरियल पहुंचता है मिक्सिंग के लिए और सिर्फ 90 सेकंड में सॉफ्ट डो तैयार है। डो को नीचे कन्वेयर में कलेक्ट किया जाता है, फिर डो मोल्डिंग सेक्शन में आता है। यहां डो को 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं। फिर दो कन्वेयर बेल्ट डो को बिस्किट मोल्ड में भेजती है। इस मोल्ड में 32 रोज होते हैं और हर कॉलम में 12 बिस्किट मोल्ड होते हैं, इसलिए एक रोटेशन से 384 बिस्किट इनिशियल शेप लेते हैं। यहां से बिस्किट पहुंचते हैं बेकिंग सेक्शन में, फिर इन्हें 120 से 240 डिग्री सेल्सियस पर बेक किया जाता है। अब बिस्किट ब्राउन होने शुरू हो गए, जिसे कलरिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कूलिंग सेक्शन की तरफ। यहां ये बिस्किट 7 से 8 मिनट तक नेचुरली ठंडे होते हैं। लीजिए, तैयार हो गए सबके फेवरेट बिस्किट्स। स्टैक करके 6 लाइन के जरिए ये पहुंचते हैं रैपिंग मशीन में। यहाँ रैपिंग और पैकिंग के बाद इन्हें होलसेलर तक डिलीवर करते हैं। इस फैक्ट्री में हर दिन 40 करोड़ बिस्किट बनते हैं, यानी साल भर का प्रोडक्शन हो जाता है करीब 14,600 करोड़ बिस्किट। यूं समझिए सिर्फ इस फैक्ट्री के ईयरली प्रोडक्शन से वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिस्से में 20-20 बिस्किट तो आ ही जाएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब तक कितने बिस्किट खा चुके होंगे। आपके पसंदीदा बिस्किट के लिए एक लाइक तो बनता है। आपके लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।